गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ चुका है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेंचर कैपिटल। है ना, वेंचर कैपिटल जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको हम रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। और ये होता क्या है कि जब कोई न्यू एंटरप्रेन्योर या वी कैन से कि कोई पर्सन जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है ना, उस आइडिया को एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको फाइनेंस चाहिए होता है। तो फाइनेंस के लिए जिसके पास जाता है, जिस पर्सन के पास या जिस कैपिटलिस्ट के पास, कि वो अपना आइडिया समझाता है और वो जो कैपिटलिस्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो उसके आइडिया को समझता है और देखता है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर उसको वो समझ में आता है तो उसको फाइनेंस करने को वो तैयार हो जाता है ना। तो इस तरह से जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला है एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। कि जो वेंचर कैपिटल है वो प्रोवाइड करती है वेरियंस एवेन्यूज की, बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड करती है ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अपना मतलब नई इंडस्ट्रीज लगा सके, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो देखो उन्होंने लिखा टू फ्लोरिश, कि पनपने के लिए, खिलने के लिए, है ना। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द न्यू वेंचरर्स, कि जो नए वेंचरर्स हैं, जो नए वी कैन से एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि उनको ये एनकरेज करता है। मतलब अगर किसी के दिमाग में आइडिया आया तो ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंस की कमी से वो बैठा रहेगा। सेकेंड देखिए, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट भी करता है। तो ये वेंचर कैपिटल का ही एक रिजल्ट है कि जो बिजनेस आइडियाज है वो मैच्योर भी हो जाते हैं, है ना, जो उनके दिमाग में आता है। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमर्शियली फीजिबल थॉट्स आर प्रोड्यूस्ड, कि इस तरह की थॉट्स बनते भी हैं और उसके साथ साथ फाइनेंशियल कैपिटल फाइनेंसिंग उनकी हेल्प भी करती है डायरेक्टली, है ना। तो इससे जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट भी किया जा सकता है। थर्ड देखिए, टेक्निकल सपोर्ट, कि फाइनेंशियल तो वो सपोर्ट करती है लेकिन ऑब्वियसली सारा रिस्क उनका है, सारी मनी उनकी लगी हुई है, तो वो टेक्निकली भी उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, है ना। टेक्निकल नो हाउ उनको अगर चाहिए, कोई तकनीकी ज्ञान उनको चाहिए, या कुछ एक उनको पैकेज प्रोवाइड करती है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी और टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगी, है ना, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड या टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई अदर कोई उनको प्रॉब्लम है तो उसको भी वो सॉर्ट आउट करवाती है, और कोई एक्सपर्ट की उनको एडवाइस चाहिए तो वो भी दिलवाती है। देखो एग्जांपल दिया है इसने कि hotmail.com जो ये साइट है, इट वाज अ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट था जो किसने इन्वेंट किया था, एक यंग इंडियन ग्रेजुएट ने, है ना, जिसका बेंगलोर में, जिसका नाम था सबीर भाटिया। अब इसने ये इन्वेंट किया लेकिन इसको फाइनेंस किसने किया, इसको फाइनेंस किया यूएसए की एक फर्म ने, है ना, सिलिकॉन वैली इसने फाइनेंस किया। तो इसका ये जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंट किया गया और ये वेबसाइट जो है वो बन गई, है ना। तो इस प्रोजेक्ट को इन्वेंट किसी और ने किया और इसको फाइनेंस किसी और ने किया। तो एक तो ये एडवांटेज है कि टेक्निकल सपोर्ट भी वेंचर कैपिटलिस्ट जो फर्म है वो करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है गिव एक्सपोजर टू हिडन टैलेंट, कि जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको एक्सपोजर देने का काम भी कौन करती है, यही वेंचर कैपिटल। कि अगर आपके अंदर कुछ छुपा हुआ टैलेंट है तो उसको एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट करता है ना, तो जो मोर थ्रस्ट, जो पोटेंशियल टैलेंट है, पोटेंशियल मतलब संभावित जो टैलेंट है जिसके अंदर, बोरोवर के अंदर, उसको वो बाहर निकालता है ना। और इसी तरह से एक्ट एज इन्वेस्टमेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब इंसेंटिव्स, कि इन्वेस्टमेंट करने की जो इंसेंटिव्स है वो भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो फाइनेंशियल और मैनेजरियल टैलेंट प्रोवाइड करता है किसको, बोरोइंग जो पार्टी है उसको, जो बोरो कर रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मतलब अगर उसको लगता है कि इनके अंदर कुछ कमी है मैनेजमेंट के अंदर, तो वो भी उनको सजेस्ट करता है कि हाउ टू डू द वर्क। इसी तरह से अगला देखो, डेवलप मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ऑब्वियसली जब ये नए नए टैलेंट को बाहर निकाल कर आएगा, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसकी कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, है ना। लोगों को जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस तरह से मेक द ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकली साउंड, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट भी देता है, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने का ये राइट देता है, उसके लिए मनी प्रोवाइड करता है, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट में तो शेयर लेता ही है, लॉस में भी लेता है। तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि कंपनी लॉस में जाए, है ना। तो इसलिए ये जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। इसी तरह से ओपन्स अदर फाइनेंशियल एवेन्यूज, कि ये तो प्रोवाइड करता ही है लेकिन जब स्टार्टअप स्टेज पर इन्होंने फंड प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद कंपनी चल गई, जो भी एंटरप्रेन्योर था वो अगर ऑर्गेनाइजेशन चल जाता है तो वो इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, है ना। तो ये उनको रोकता नहीं है
वो अदर फाइनेंशियल जो एवेन्यूज हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हेल्प इन रीजनल बैलेंसिंग की जो रूरल एरियाज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ के प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करेगा, मतलब पूरी कंट्री में किसी भी पार्ट में किसी भी पर्सन के दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है और वो इन वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं तो उनको जो है ये फाइनेंस करता है। तो इससे क्या होता है कि बैकवर्ड एरिया में भी जो है वो डेवलपमेंट होता है, और जो रीजनल बैलेंस की प्रॉब्लम है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, वो भी उसमें भी हेल्प मिलती है इक्वल करने में। एंड लास्ट इज हेल्प ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की ग्रोथ करने में भी ये हेल्प करता है, यानी कि ये प्रोडक्शन बढ़ाने में, नेशनल प्रोडक्शन बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, है ना, इस तरह से हेल्प करता है जिससे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज, इसको अच्छे से पढ़ लेना।